सत श्री अकाल, मैं जतेंद्र सिंह खहरा। तुम देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। निगाह मारदे हां चोणियां खबरां ते। पंजाब च आप सरकार दे 50 दिन पूरे हो, सीएम मान ने नौजवानों नूं दित्ता वड्डा तोहफा। सीएम मान दा वड्डा दावा, झारखंड च पंजाब दी कोले दी खान मुड़ होवेगी चालू। बंदी सिंघां दी रिहाई नूं लैके श्रोमणी कमेटी ने कीती हंगामी प्रेस वार्ता। पंजाब च सरकार खिलाफ पटवारियों ने अणमिथे समय लई कीती हड़ताल। किसानी मसलों नूं लैके नवजोत सिद्धू ने घेरी नवी पंजाबी दी सरकार। हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब सरकार दे 50 दिन पूरे होण ते भगवंत मान ने बयान जारी करके वड्डा दावा कीता। उन्होंने कहा है कि 26,454 नौकरी का नोटिफिकेशन अज अखबारों दे विच प्रकाशित होया। डिग्री हिसाब दे नाल नौकरी मिलेगी, सिफारिश ते रिश्वतखोरी नहीं चलेगी। सरकार वालों पूरी पारदर्शिता दे नाल भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों दे विच होर प्राइवेट ते सरकारी नौकरियां उपलब्ध होणगियां। सीएम भगवंत ने कहा कि मैं जो भी फैसला लवांगा जनता दे हक लई फैसला लवांगा। आने वाले बजट सैशन विच होर भी चंगी खबरां आउणगियां। भगवंत मान सरकार ने एक होर वादा पूरा करदिआं 26,454 नौकरियां लई इश्तिहार जारी कर दिता। इश्तिहार विच नौकरी लई अर्जी देण लई पोर्टल उपर अपलाई करन लई कहा गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठ सोमवार नूं होई कैबिनेट की मीटिंग च वख-वख मंत्री वख-वख विभागां दे विच खाली पईआं 26,454 असामियां नूं भरन दे लई हरी झंडी दे दित्ती गई सी। इस भर्ती की प्रक्रिया हुण शुरू कर दित्ती गई है। अज 50 दिन हो गए पंजाब दे विच लोगों की सरकार बनी नूं। 50 दिनों दे विच असीं बहुत वड्डे वड्डे फैसले लए, लागू भी किए। अज 50वें दिन एक बहुत खुशखबरी पंजाबियों नाल सांझी करनी है कि 26,454 नौकरियों का इश्तहार जिहड़ा है, नोटिफिकेशन जिहड़ा है, वह अज अखबारों के प्रकाशित होया। तुसीं पंजाबी हिंदी अंग्रेजी के किसी भी अखबार के वख-वख महकमें के असामियों के इश्तहार देख सकते हो। तो जे तुसीं खुद अपलाई करना कर सकते हो, डिग्री मुताबक नौकरी मिलेगी, कोई सिफारिश जां कोई रिश्वतखोरी नहीं चलूगी। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके नाल, पारदर्श तरीके नाल जिहड़ा ये भर्ती होगी। क्योंकि असीं वादा कीता सी कि हरे रंग का पेन जे लोगों ने सानू दिता तो लोगों के हक च चलूगा। लोगों के चुल्हे की अग जी बुझदी जाती है उन्हों असी बचाना है। सो 26,454 नौकरियां जड़ियां कड़ियां ने, आने वाले दिनों होर भी बहुत सारिया नौकरियां, होर भी बहुत सारे प्राइवेट सैक्टर च सरकारी सैक्टर च नौकरियां जड़ियां ने उन्होंने इश्तहार वगैरह आते रहेंगे। कोले की घाट कारण बिजली संकट का सामना कर रहे पंजाब के लोगों को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वड्डी खुशखबरी दित्ती है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि झारखंड दे विच पंजाब दी बंद पई कोले की खाण मुड़ चालू कर ली गई है। हुण कोला सीधा पंजाब आया करेगा, पंजाब वासियों की मेहनत का पैसा पंजाब की बेहतरी ते भलाई दे लई लवांगा। उन्होंने आख्या कि पंजाब की एक कोले की खाण 2015 तो बंद पई सी, इस तों चालू करन दी थां समय दी सरकार ने इधर उधरों कोला खरीदिया तां जो उन्हां नाल पैसे की सैटिंग हो जाए। उन्होंने कहा कि एक खाण चला ली गई है, मैं मई जून विच उत्थे जाके इस खाण का उद्घाटन करके आवांगा। भगवंत मान ने कहा कि सूबे विच बिजली की लोड़ींदी सप्लाई की यकीनी बनाउण दे लई उन्हां दी सरकार झारखंड दे विच पंजाब की अलाट की खाण तो कोले की खुदाई मुड़ शुरू कर जा रही है, जो कि 2015 तो बंद सी। उन्होंने कहा कि कोले की निर्विघन सप्लाई के नाल खेतीबाड़ी, घरेलू और उद्योगिक खेत्र के लिए भी बिजली की लोड़ींदियां सप्लाई करनी सप्लाई होना यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब की एक कोले की खान 2015 तो बंद पई सी, झारखंड च पंजाब ने खरीदी हुई है खान, वो कारण कोला इधरों उधरों लैना है ताकि उन्होंने सैटिंग हो जाए पैसे की। असी वो खान चला ली, मैं मई के आखिरी हफ्ते के झारखंड जाके वो खान का उद्घाटन करके आऊँगा। कोला सीधा पंजाब का इतने आ गया। मेरे को जो फाइल आदि ने, मैं लगता पंजाब के लोगों के खून ना लिपड़िया हुई फाइल ने, इन्ना लुटिया इन्हों लोगों ने, आ कोठी नहीं छड़ते हजे तक। देखो असी क्या हूँ तुम नहीं रहे, थोनू लोगों ने हराता, कहने हैं जी हराता, कोठी तो दे दो, क्यों कोठी कल दे दी थोनू, गड्डिया नहीं मोड़ रहे हजे तक, आदतं पै गई ना अं रहन दियाँ। पहला रले होंगे सी, वो कहते चल कोई गल नहीं अगले 5 साल बाद तू आज रख लै ही,
गड्डियां बनाईयां, कोठियां वापस कराईयां, पेंशन बंद कीतियां। हजे तां देखो तुसीं कागज निकल रहे ने, कागज निकल रहे ने, बुलडोजर कित्थे कित्थे चलणगे तुसीं देखते जाओ। जो इन्होंने कब्जे कीते आ नजायज, जो इन्होंने पंजाब का खजाना लुटिया, साफ होगा सारे। बंदी सिखां दी रिहाई अते खालसा पंथ दे होर सरोकारां नूं लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पत्रकारां दे नाल गलबात करदे हुए प्रधान धामी ने कहा कि कई बंदी सिख जेलां च सज़ा पूरी होने के बावजूद कैद हैं। उन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई लई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते सिख संस्थावां जथेबंधियां संप्रदावां नूं अपील की है कि सारे मिलकर सांझे रूप दे विच बंदी सिंघां नूं रिहा करवाउण दे लई यतन करन। बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई सारियां सिख जथेबंधियां आपो अपना वध चढ़ के सहयोग देण। श्रोमणी कमेटी प्रधान ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सानू निर्देश दिए ने कि सिख कैदी जो काफ़ी समय तो जेलों के बंद ने, श्रोमणी कमेटी उन्होंने लिए यतनशील होवे। इस संबंध में श्रोमणी कमेटी 11 मार्च को तेजा सिख समुद्री हाल से एक बैठक कर जा रही है। इस बैठक च सचमुच सिख पंथ सिख जथेबंधियां विशेष तौर पर शामिल हो। प्रधान धामी ने कहा कि बलवंत सिंह राजोआणा की अगवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को केंद्र सरकार को 2 महीनों अंदर फैसला लैण का निर्देश दिता है। इस दे लई श्रोमणी कमेटी यतनशील है। इसे सज़ा पूरी होने के बावजूद भी जेलों में बैठे हैं, जिथे असी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचा हाउस इस गल की जदोजहद कर रहा, उत्थे परसों जिहड़ी एक विशेष इकट्ठ जिहड़ा सद्या गया सी, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार श्री अकाल तख्त साहब वालों, उन्होंने सानू 2-3-4 निर्देश भी किए। उन्होंने निर्देशों के एक निर्देश ये कि जेडे साडे सिख कैदी बेचारे लंबे अरसे दे जेलों च बैठे आ, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्होंने यतनशील होवे। सो श्री अकाल तख्त साहब जी के हुक्म अनुसार असी सारा ये मुलांकन किया, तो इस संबंध के समुचे तौर पर खालसा पंथ नूं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों निम्रता सहित बेनती आ कि 11 मई को तेजा सिंह समुद्री हाल के इस प्रोग्राम की रूपरेखा लीकण लई सारे जथेबंदियों के नुमाइंदे उहदे विच शामिल होण। और ये नरोल कौम का मसला आ, इहदे विच राजनीतिक जिहड़े साडियां जथेबंदियां वह भी शामिल होण, इहदे विच जिहड़ियां वख-वख सिख जथेबंदियां वह भी शामिल होण, ते होर जिहड़ियां दूसरियां जथेबंदियां जिहड़ियां सिक्खी लई सहिरदे आ, उहनां सारिआं नूं भी निम्रता सहित मैं बेनती करदा कि 11 तरीक नूं उस मीटिंग दे विच 11 बजे तेजा सिंह समुद्री हाल दे विच उह लिखी गई आ, समुचा पंथ सारा ही, क्योंकि ये सांझे जतन सारिआं दे ही आ, हर एक जथेबंदी इस काम लई लगी हो आ। पर अकाल तख्त साहब जी दे हुक्म अनुसार श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उस जदोजहद तहत ये असीं प्रोग्राम लिखिआ। पिछले दिन मलेरकोटला दे विच पटवारी यूनियन के जिला प्रधान ते विजिलेंस विभाग के वल्लों रिश्वत का मामला दर्ज किया गया सी, जिस दे विरोध वजो अज पूरे पंजाब विच पटवारी अते कानूगो यूनियन वल्लों समूहिक छुट्टी लैके कामकाज ठप कर दिता गया। यूनियन वल्लों अगले 3 दिन समूहिक हड़ताल की जाएगी। पटवारियों ने कहा कि जो विजिलेंस विभाग ने किया वह गलत है, साडे साथी ते किया गया परचा रद्द होवे, ते जिन्हां ने इस सारी साजिश की है उन्हां उपर मामला दर्ज करना चाहिए। यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है कि जेकर अजिहा ना किया गया तो साडी हड़ताल जारी रहेगी। मलेरकोटले पटवारी नाल होए धक्केशाही के खिलाफ अज पंजाब के अंदर समूह पटवारी और समूह कानगो साहबान वो समूह छुट्टी लैके अपने दफ्तर से बैठे आ, जो कि सरकार का काम जरा समुचा जरा वो बंद किया गया। इस तो ये समूह छुट्टी जी शुक्रवार तक 6 तरीक तक ये जारी रहेगी और 9 तो 15
तक जी पंजाब के संघर्ष का दूजा बदलवान रूप होएगा। और साड़ी सरकार नूं यह बेनती आ भी ये सच जरा वा उसकी पड़ताल करा के जिरा भी इस दे विच दोषी हैगा उसके खिलाफ़ जी कार्रवाई वो की जाए, नहीं तो ये रोस जरा वा ये होर जरा दूजे तरीके फिर व्यक्त प्रगट किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू अज कोटकपुरा पहुंचे जिथे उन्होंने किसानी मसले ते पंजाब सरकार नूं लंबे हथी लिया। पत्रकारां दे नाल गलबात करदिआं नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मैं अज दा नहीं सगों बचपन तो किसानी दा हितैषी हाँ। उन्होंने कहा कि अज किसानी की बुनियाद ही पूरी तरह हिल पई है। अज दे समय च 35 रुपए का बीज किसानों नूं 250 रुपए च मिल रहा है। सिद्धू ने कहा कि झोने की खेती च पंजाब दा कुल खेतर करीब 26 लाख हैक्टेयर है। 26 लाख हैक्टेयर लिए करीब 25 क्विंटल बीज चाहिए है। इस तरह कणक लिए 35 लाख हैक्टेयर पूरा खेतर है तो उसके लिए बीज 3.5 लाख क्विंटल चाहिए है। इसकी एक नोडल एजेंसी है जिसका काम बीज बनाना सस्ते भा से किसानों मुहैया करवाना है। इसकी जी रिसर्च है वह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। हुण हैरानी वाली गल यह है कि जिन्ना कुल खेतर है तो जिनी डिमांड है 2.5 लाख क्विंटल उसकी नोडल एजेंसी पनसीड है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जी रिसर्च है उसके आधार से उस बीज को किसानों को सस्ते भा से पहुँचा है। जो बीज सस्ते रेटा से नहीं मिलता तो किसानों बाजार चो महंगे भाते खरीदना पैदा है। उन्होंने कहा कि पंजाब च किसानी पॉलिसी नाल उपर उठ सकेगा पंजाब, नहीं तो मुश्किल है। मैं अज का नहीं बचपन का किसानी का हितैषी हाँ। करीब करीब 2 साल तो मैं किसानी के एजेंडे के उत्ते गल करते ये महसूस किया है कि किसानी की जिहड़ी बुनियाद है उही हिली पई। अज उस नी उस बुनियाद का जिहड़ा थां है उत्थे आके मैं ये गल करनी सी। वेखो टोटल एरिया जिहड़ा झोने की खेती दे विच पंजाब दा हैगा वो करीब 26 लाख हैक्टेयर है जी। 26 लाख हैक्टेयर दे लई करीब करीब 2.5 लाख क्वांटल बीज चाहिए। जो बुनियाद की गल करता तो फिर बीज की गल कर यही ती अगर कणक देखो तो 35 लाख हैक्टेयर पूरा एरिया तो वो बीज करीब करीब 3.5 लाख क्विंटल चाहिए जी। मेरी गल समझ दो जी सर। हूँ यदी एक नोडल एजेंसी है जिहदा काम है कि वह बीज बनावे बीज नूं मल्टीप्लाई करे और बीज नूं मल्टीप्लाई करके सस्ते दामां दे उत्ते चंगा बीज किसान नूं दवे। इहदी जिहड़ी रिसर्च है भी बीज किहड़ा वधिया जिवें 126 दी रिसर्च है ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिहड़ी कि हिंदुस्तान दी नहीं वर्ल्ड दीआं चंगीआं रिसर्च यूनिवर्सिटीआं दे विच। हुण हैरानगी दी गल इह है कि जिन्ना टोटल एरिया है और जिन्नी डिमांड है 2.5 लाख क्विंटल उहदी नोडल एजेंसी पनसीड है जिन्हें पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जिहड़ी रिसर्च है उहदे आधार दे उत्ते उस बीज नूं किसान कोल सस्ते दामां ते पहुंचाना। अकाली दल के 5 मैंबरी वफद ने अज पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नूं मिलके पंजाब संबंधी मांग पत्र सौंपिया। मुख तौर पर 2 मंगां रखियां जिन्हां दे विच पहली मंग यह है कि जदों तो भगवंत मान के मुख्यमंत्री बने ने उदों तो फिरकू हिंसा शुरू हो गई है। पटियाला हिंसा दे विच सीएम नूं 4 दिन पहला पुलिस अते इंटैलीजेंस तो जानकारी मिली सी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राघव चड्ढा ने मान तो पहला बयान दिता फिर बाद च बयान बदल के सियासी बयान देना शुरू कर दिता। बादल ने कहा कि मैनू शक है कि इस पिछे सरकार का हाथ है। उन्हें मांग की है कि CBI या सिटिंग जांच की जांच नू इस मामले की जांच करनी चाहिए है। दूसरा जो कोई भी सरकार सौ चुकती है तो जानकारी ना लैण की शर्त होंदी है पर उन्होंने गैर संविधानक तरीके दे नाल रस्ता कढ लिया है। उन्होंने दिल्ली दे नाल MU किया है। राज्यपाल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए है जेकर राज्यपाल बरखास्त करना चाहते ने है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब का मुख्यमंत्री बन गया। अकाली दल वालों पत्र में मांग की गई है कि पंजाब की अमन कानून की स्थिति दिनों दिन विगड़ती जा रही है सिर्फ प्रचार से ही जोर है।
अकाली दल इस संबंधी RTI भी पावेगा। राज्यपाल तो मांग की गई है कि सहु की उलंघना से मुख्यमंत्री और उसकी सरकार से कानूनी कार्रवाई करो और बर्खास्त की जाए ये सरकार। असी गवर्नर साहब नूं मिले हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जिन्हों का मुख्यमंत्री बनया एजियां चीज़ां पंजाब च होण लग गईयां जिहड़ियां अज तक नहीं हुई। कम्यूनल वायलेंस का कितने एग्जाम्पल तुसी पंजाब च इन्ने साल देख लो कितने नहीं होया। जदों माहौल 20-30 साल पहले भी जदों टेररिज्म दे सी उदों भी कितने कम्यूनल वायलेंस नहीं हुई। भरावां भरावां विच परिवार वांगू रहिंदे सी पर जदों दी आई है सरकार कोई ना कोई डायरेक्शन चेंज करन लग गई है अपनी कमियां नूं लुकाउण वास्ते। जिहड़ा पटियाले विच जिहड़ा कम्यूनल वायलेंस हुई है आ इक बड़ी सीरियस है। क्यों सीरियस है? क्योंकि इहदे पिछे क्लीयर लगता है कि रोल सरकार दा सही नहीं। चार दिन पहले खुफिया एजेंसियां ने दसता सी कि आ होण लग्या पर सरकार रिटर्न दिता ते इन्होंने सरकार इन्हें भगवंत मान ने कुछ नहीं किया। जदों हो जांदा एक वायलेंस ते उहदे बाद CM नहीं स्टेटमेंट दिंदा। इन्हां दा दिल्ली दा राघव चड्ढा दिंदा स्टेटमेंट कि आ BJP ते अकाली दल विच कलैश है। देखो किड्डी माड़ी स्टेटमेंट है। उहदे बाद फिर चीफ मिनिस्टर जिहड़ी पहले चीफ मिनिस्टर नूं बयान देना चाहिए था उन्हें नहीं दिता। राघव चड्ढे ने दिता जो उहदे केजरीवाल दे हुक्म ते दिता गया ते उहदे बाद चीफ मिनिस्टर बयान दिंदा अकाली दल ते BJP साजिश है। आ करना की चाहुंदे है? आ पंजाब विच लड़ाई पाउणा चाहुंदे है? हले इंसीडेंट थोनू पहले पता लग गया तुसीं कीता नहीं बयान तुसीं इररिस्पोंसिबल स्टेटमेंट दे रहे हो। उहदे बाद तुसीं चेंज कर दिंदे हो पहले तुसीं कहिंदे हो कि उह सिंगला दोषी है ते उहनां दी हर कम्यूनिटी पटियाले वाले कहिंदे आ कि सिंगला दोषी है। उहदे बाद इमीडिएटली स्विच कर दिंदे है अगले दिन ही स्विच करके दूजे बंदे दा अपने परवाना दा नाम ले लैंदे है। आ की है? हाल ही की एक अदालत ने बुधवार को ड्रग्स मामले के श्रोमणी अकाली दल के आगू और सबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की न्यायिक हिरासत 18 मई तक वधा दी है। पटियाला जेल दे विच बंद मजीठिया बुधवार 14 दिन का जुडिशल रिमांड खत्म होने तो बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वधीक सैशन जज अवतार सिंह की अदालत दे विच पेश होए। पिछले महीने श्रोमणी अकाली दल के आगू ने पंजाब पुलिस वालों नाकोटिक ड्रग्स एंड साइकोक्रोपटिक सबस्टांस एक्ट 1985 के तहत तो उन्होंने खिलाफ दर्ज किए गए केसों रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की गई है। पंजाब विच चोण प्रक्रिया पूरी होने तो बाद अदालत दे विच आत्मसमर्पण करन तो बाद 24 फरवरी नूं मजीठिया नूं न्यायिक हिरासत दे विच भेज दिता गया सी। सुप्रीम कोर्ट ने पहला पंजाब पुलिस नूं इस मामले विच 23 फरवरी तक उन्हां नूं गिरफ्तार ना करन दा हुक्म दिता सी तां जो सूबे दे विच चोण प्रचार कर सकण। पंजाब च बिजली संकट नूं लैके अज पंजाब भर दे विच भाजपा दे वल्लों पंजाब सरकार खिलाफ़ प्रदर्शन किए गए। इस मौके भाजपा आगुआं ने आप सरकार ते तिखे हमले किए गए। इस धरने च भाजपा आगुआं ने पंजाब सरकार दीआं झूठियां गरंटियां खिलाफ़ हल्ला बोलदिआं कहा कि जदों आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता च आई सी उदों उन्हां वल्लों 600 यूनिट बिजली मुफ्त देण दा 24 घंटे बिजली देण अते 1000 रुपये महीना औरतां नूं देण दा वादा किया गया सी। सुभाष शर्मा ने कहा कि आप सरकार नूं सत्ता च आए 50 दिन तों वी वध दा समां हो गया ते लोकां च बिजली ना आउण कारण रोस पाया जा रहा है। उन्हां कहा कि जदों भगवंत मान ने वोटां तो पहला 600 यूनिट बिजली मुफ्त देण दा ऐलान कीता सी उस वेले कोई अजिही शर्त नहीं रखी गई सी कि 600 यूनिट तो 1 यूनिट भी उपर जाण ते सारा बिल देना पवेगा। उन्हां कहा कि बिजली ना आउण नाल पूरी इंडस्ट्री बंद पई है ते दूसरे पासे किसानां च परेशानी वेखण नूं मिल रही है क्योंकि झोने दा सीज़न आउण कारण बिजली दी मंग वधण लग पई है पर पंजाब च हर जगह 12 घंटिआं तो भी वध के कट लगाए जा रहे हैं। सुभाष शर्मा ने भगवंत मान नूं निशाने ते लैंदिआं कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं सगो झूठी ते इश्तहारी सरकार है जिसने पंजाब दे लोकां नूं झूठियां गरंटियां दे के गुमराह कीता अते कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों लंघे दिनी किसानों नूं झोने की सीधी बिजाई करन दे लई 1500 रुपये प्रति एकड़ देण दा ऐलान कीता गया।
जिस तो बाद ज़्यादातर किसान जथेबंदियों वालों इस ऐलान ठुकरा के 4 to 5 हज़ार रुपए प्रति एकड़ सीधी बिजाई करने लिए देने की मांग की गई है। उते ही मजदूर जथेबंदी भी सीधी बिजाई लैके फिक्रमंद दिस रही ने। आज दाणा मंडी भदौड़ विखे लेबर का काम करने वाले नौजवान गुरजीत सिंह ने किसान मजदूर एकता के हक में नारे लाद्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो मांग करद कहा कि असी ये नहीं कहते कि सीधी बिजाई लिए किसानों पैसे ना देवो, पर मजदूर के घर वाल भी सरकार ध्यान जरूर देवे। उन्होंने कहा कि इस बार किसान का झाड़ कट्ट कारण सरकार उन्होंने राहत दे रही है, पर झाड़ कट्ट प्रभावित हुए मजदूर के परिवारों के लिए सरकार वालों कोई भी राहत नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि असी गरीब परिवारों के एक मैंबर ही कमाने वाले हाँ, साढ़े कोई भी जमीन वगैरह या कोई होर कमाई का साधन भी नहीं है, जिस कारण असी परिवार आर्थिक तंगी विचों गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दाणा मंडिया के काम करने वाली लेबर खेतों के झोना लाने वाले गरीब परिवारों घट्टो घट 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देवे ता जो वह भुखे ना मरन अपने परिवारों का पेट पाल सकन। देखो साढ़िया दो ही मंगा गई, पहला तो सूँ इतने घाटा पाया महीना महीना हो गया बैठा, दूजी गल ये हैगा हुण कहिंदे बिजाई सीधी होगी, सारा परिवार लगता सी किधर जाणगे दसो मैनू, 15-15 हज़ार कमा लेंदे सीगे ओह वी खूह खाते गया। मेन गल्लां दो ये हो गईयां जी, बाकी तुसीं देख लो होर की हैगा, सारे दिहाड़ी पैंदी नहीं, 200-200 रुपये नाल की बणू इहनां दा, 700-700 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए लेबर वाले दी पक्की परमानेंट दुध देख लो किन्ने रुपए किलो हो गया, खंड की होगी की मानदा इहनां पल्ले कुछ नहीं, पुछ लो इहनां नूं किन्ने किन्ने दाणे आउणगे की कुछ आऊगा। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਗਏ ਭਦੌੜ ਮੰਡੀ 'ਤੇ? ਸਾਡੇ ਹੁਣ 30 ਜਣੇ ਆ ਗਏ, 30 ਜਣੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ 30 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਟੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕਟੌਤੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਰੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। करनाल पुलिस ने पंजाब तो दिल्ली जा रहे 4 मशकूक अतवादियों को गिरफ़्तार किया है। मुलजमान की इनोवा के वड्डी मात्रा के धमाका के समगरी होने के खदशे कारण बंब नकारा दस्ते ते रोबोट मंगवाए गए हैं। IAB तो मिली सूचना के आधार पर करनाल के मधुबन थाना पुलिस ने इन्हों काबू किया। SP गंगाराम पूनिया ने 4 अतवादियों की गिरफ़्तारी और उन्होंने को भारी मात्रा के धमाका के समगरी बरामद होने की पुष्टि करद्या दसिया कि 3 कंटेनर रखी धमाके के समगरी तेलंगाना ले जाया जा रहा है। जांच दौरान अतवादियों के कोलों देसी पिस्तौल और 31 कारतूस भी मिले ने। उन्होंने को 750 किलोग्राम धमाके की समगरी, 6 मोबाइल फोन और 1.3 यानी कि 1,30,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इस तो पहला ये अतवादी तंबाके खेज समगरी की खेप न देण भी पहुँचा चुके हैं। ये गिरफ़्तार किए गए अतवादियों में गुरप्रीत सिंह, उसका भरा अमनदीप, परमिंदर और भुपिंदर सिंह शामिल ने। इन्हों 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान रह रहे अतवादी हरविंदर सिंह इस धमाके के समगरी ड्रोन राही फिरोजपुर सुट रहा है और फिर इन्हों देश के होर सूबों के पहुँचाया जा रहा है। SP ने दसिया कि इस अतवादी ग्रोह को ड्रोन राही पहला भी 2 खेपा मिल चुकिया ने। भारतीय ओलंपियन अथलीट कमलप्रीत कौर जो पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स 2020 डिस्कस थ्रो ईवेंट 6वें स्थान पर रही थी, पाबंदीशुदा दवाइयों की वरतों कारण करके अस्थाई तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। उसके टेस्ट पॉजिटिव आने बाद एथलेटिक्स इंटीग्रेटेड यूनिट ने उसते अस्थाई तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। 26 साल डिस्कस थ्रो को अस्थाई पाबंदी के अधीन रखा गया है तो डोपिंग मामले की जाँच की जा रही है। प्रभावशाली भारतीय अमरीकी समूहों ने कनैक्टिकट स्टेट असैम्बली सिख आजादी ऐलाननामे की 7वीं वरेगंढ से वक्खवादी सिख संस्थावां नूं वधाई देण वाले अपने अधिकारित पत्र नूं रद्द करन दी अपील कीती है। महत्वपूर्ण गल यह है कि कनैक्टिकट सूबे की जनरल असैम्बली ने 29 अप्रैल नूं खालिस्तान पक्षी संगठन वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट नूं सिख आजादी ऐलाननामे की 7वीं वरेगंढ की वधाई दित्ती सी ते उस तों बाद यह मामला सुर्खियां दे विच सी। इसी हुण तक दीआं खबरां तुसीं देखदे रहो पंजाब मेल USA TV। मैनूं दिवा गया धन्यवाद।